महिला के पेट से पैदा होने वाला पप्पू ये कहे कि हिंदुस्तानी हिंसक है, और लेकिन जो कांग्रेस में अपने आप को हिंदू मानते, अपने आप को भारतीय मानते, अपने आप को देशवासी मानते हैं, अपने आप इस बात भूमि का बेटा मानते हैं, तो उनको एक क्षण भी कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। और आपको हत्या लगाने वाला तो हम उस जगह बिठाएंगे जो हमारे घर में जो वफादारी का काम करता है, सामने आकर बैठ जाता है, इस तरह बिठाएंगे उससे। नवलगढ़ के नगर से बाबा रामदेव जी के चरणों में उपस्थित होकर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। इस समारोह में मंचस्थ विराजित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री श्रीमान अनुवारी राजी सैनी साहब, आपके लोकप्रिय विधायक श्रीमान विक्रम सिंह जी जाखल और हमारे मित्र भवानी शंकर जी, भवानी शंकर जी हमारे साथ के लोकप्रिय सांसद पूर्व सांसद टीचर और सुरेंद्र जी शेरशाह पूर्व चेयरमैन और सुभाष जी सुभाष चंद्र बोस विधायक, मेरे बड़े भाई विश्वंबर जी इसने तो और उपस्थित सभी ग्राम प्रेम का राष्ट्र प्रेमी मित्रों भाई और बहनों, मैं मेरा सौभाग्य है कि आज मैं नवलगढ़ के नगर सेठ बाबा रामदेव जी के चरणों में उपस्थित हूँ और मैं विक्रम सिंह जी के साथ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ बुलाकर बाबा रामदेव जी के दर्शन कराए कराए, आप सब लोगों के भी सामूहिक रूप से दर्शन करा रहे, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत खुशी इस बात की कि आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलवाया है और जीत के आई राज से उनका नाम विक्रम सिंह। बहुत गर्म स्वभाव है, अच्छे व्यक्ति हैं, नवलगढ़ की समस्याओं के लिए डेवलपमेंट निरंतर विचार विमर्श करते रहते हैं और मैं समझता हूँ आपको इससे अच्छा विधायक कोई मिल नहीं सकता था, इसलिए आपने जो विधायक चुना है विधायक के लिए तो क्या बधाई दू, लेकिन बधाई आप सब लोगों को देखता हूँ कि नवलगढ़ की जनता ने बड़ा प्यार श्रद्धेय देकर के एक साधारण से व्यक्ति विक्रम सिंह जी जाखिल को जाखिल को आपने अपना नेता चुना है, इसलिए आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। मैं एक दो बार पहले भी मेरा नवलगढ़ आना हुआ है और मेरे बड़े दुर्भाग्य था कि मैं यहाँ के एमएलए के साथ नहीं आया क्योंकि एमएलए हमारा नहीं आपने प्रमुख सौभाग्य सुझा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के साथ और मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ, आपके साथ हूँ और आपको नमन करता हूँ। मित्रों में कुछ दिनों से बहुत दुखी हूँ, इसलिए दुखी हूँ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने यह कहा जो प्रतिपक्ष के नेता भी लोग हिंदू हिंसक है, झूठ बोलना पाखंडी,
इससे मुझे बहुत बड़ी वेदना है कि पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है, पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है, भारत की जनता का अपमान किया है। हिंदू कभी हिंसक हो नहीं सकता। आज तक का रिकॉर्ड है कि जब से हिंदू धरती पर पैदा हुआ है तब से वो सबको संरक्षण देता आया है। कि देश में इस्लाम के मानने वाले हैं उनको संरक्षण दिया, कि देश में ईसाई को मानने वाले हैं उनको संरक्षण दिया, लेकिन एक विदेशी महिला के पेट से पैदा होने वाला पप्पू ये कहे कि हिंदुस्तानी हिंसक है और इसका दूसरा अर्थ होता है हत्यारे, यानी हिंसक होता मारने वाला, यानी हम किसी को मारने वाले हैं, किसी की हत्या करने वाले हैं, यानी हम किस हत्यारे हैं, इससे बड़ा अपमान तो हो सकता है। इसलिए मौका आ रहा है फिर एक बार चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि राजनीति में तलवार से बंदूक से बदला नहीं लिया जाता है, बदला लिया जाता है वोट से। यही बंदूक है, यही तलवार है, यही बम है, इसका उपयोग करो, हमारे सामने वाला दुश्मन अपने आप मर जाएगा, अपने आप मर जाएगा। और एक भी कांग्रेस ने इसकी निंदा नहीं की कि राहुल गांधी ने यह कहा है कि हिंदू हिंसक है, झूठे हैं। इसका समझ लो क्या होता है, मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो कांग्रेस में अपने आप को हिंदू मानते, अपने आप को भारतीय मानते, अपने आप को देशवासी मानते हैं, अपने आप इस बात की भूमि का बेटा मानते हैं, तो उनको एक क्षण भी कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए, उनको राष्ट्रप्रेमियों के साथ आना चाहिए। ऐसी पार्टी को तिलांजलि देना चाहिए जो हमको हमारे बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को और सबको हत्यारा बोलते। मौका आएगा या झुंझुनू की जनता बदला लेगी और बताएगी कि राहुल गांधी और कांग्रेस हिंदू समाज का अपमान किया है, उस अपमान का बदला लेकर रहेंगे, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तुमने अपने हमारे बाप दादा को, हमको, आज पूरे हिंदुस्तानियों को हत्यारा बताया है, उसका तो बदला लेकर रहे। इसलिए मित्रों आप सब लोगों से आवेदन निवेदन करने के लिए आया, प्रार्थना कर रहा हूं, यदि हमें इस भारत माता का खून है, हमें हमारे नसों में हमारे पूर्वजों का खून दौड़ रहा है, और इस भारत माता से प्यार करते हैं और भगवान राम से प्यार करते हैं, तो और उन्हीं को देना जिन्होंने भगवान राम का मंदिर का निर्माण किया है। माता पिता बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आपके मानस पटल पर जम जाए कि हम किसी भी कीमत पर हत्यारे नहीं है, हमारे पूर्व हत्यारे नहीं थे, न हमारी जन्म से हत्यारे होगी, हम सबको संरक्षण देने वाले, सबका सम्मान करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे ऊपर जो लांछन लगाया है वो किसी भी कीमत पर हमको बर्दाश्त नहीं है। हम याद रखेंगे वोट के लिए भी और बाहर भी याद रखेंगे, आपको हत्यारे करने वालों को नजदीक भी नहीं बिठाएंगे, नजदीक भी नहीं बिठाएंगे, और आपको हत्यारे करने वालों को हम उस जगह बिठाएंगे जो हमारे घर में जो वफादारी का काम करता है, सामने आकर बैठ जाता है, इस तरह बिठाएंगे, उससे ज्यादा हमारे उनके अपराध नहीं है, उनको हत्यारे करने वाले। मेरे भाई और बहनों, मैंने एक किसी से पत्रकार से कह दिया कि आदिवासी हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे, तो मिर्ची लग गई, और मेरे से कह रहे कि तुम माफी मांगो, इस धरा पर पैदा होने वाले लोग जो अनाधिकार से रह रहे हैं वो सब हिंदू हैं, चाहे वो राजपूत है, वो आदिवासी है, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सुल्तान हो, सुल्तान हो, हम सब आदिवासी हैं। आदिवासी का अर्थ होता है अनादिकाल से निवास करने वाले लोग, आदिवासी, और हम सब आदमी सब आदिवासियों का सम्मान करता हूं, नमन करता हूं, आदिवासियों से प्रेरणा लेता हूं।
भगवान राम के वनवास के बाद जंगल में जब भगवान ढूंढ रहे परेशानियों का सामना करते थे, उनका सहयोग करने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए आदिवासी सबसे आगे थे अपने जान के लिए बेटा। विधानसभा महाराणा प्रताप ऐसा लगा था कि हताश और निराश हो जाएंगे, मेवाड़ के आदिवासियों ने अपनी जान जोर में डालकर भी, चाहे उनके पास भोजन की भी जो भी हो उनकी व्यवस्था भी नहीं होगी, लेकिन महाप्रताप का मेवाड़ का मान बढ़ाने के लिए, आन बान शान के लिए अपने अपनी जान हथेली पर लेकर के और महाराणा प्रताप के साथ लड़े। ने महाराणा प्रताप के साथ साथियों का और भगवान राम को रास्ता दिखाने वालों का हम बहुत सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, और उससे ज्यादा पुत्री और वंदनीय इस देश में कोई और नहीं सकता।